सो गाइस यार फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और गाइस आज अपन लोग बात करने वाले BGMI के सेटिंग्स और नीचे प्राइवेसी एंड सोशल्स में जाओगे तो काफी सेटिंग्स मिल जाते हैं, सोशल्स कनेक्शन एंड कई सारे सेटिंग्स जो कि इसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोग अपने BF GF जो भी इससे परेशान हो वो लोग पता कर लेते हैं किससे मैच खेल रहा, कितना मैच खेला, किस टाइम पर खेलो, किससे खेला, से सब कुछ जाके पता लगा नाम वगैरह चेक करता है आपको, जब तक कोई इन्वाइट भेज देता है आपका मैच कोई देखने लग जाता है। मतलब कई तरह का ऐसे जो सेटिंग्स है ना इसको आप लोग डिसेबल कर सकते हो, किसी को इनेबल कर सकते हो जो कि आपका जो भी कुछ भी चीज है वो लीक नहीं होगा, यानी कि सिक्योर रहेगा भाई, आपका आईडी कोई ताका जाकी कर ही नहीं सकता। तो वो चीज के लिए गाइस यहां पर अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखो एक लाइक बटन के लिए होता है ये चीज, एक लाइक बटन, जैसे कि प्राइवेसी इन सोशल में मैच के अंदर में जो लाइक आप लोग को देना होता है ना, कोई अच्छा खेलता तो आप लोग एक लाइक दे देते हो फाइनल टाइम में, तो वो चीज के लिए इनेबल या फिर डिसेबल नॉर्मल है ये। तो स्पॉन आइलैंड ब्रॉडकास्ट ये चीज इनेबल या डिसेबल, अगर आप लोग TDM या फिर मैच खेलते हो तो स्पॉन आइलैंड में एक लेडी का आवाज आता है कि दिस गेम इज डज नॉट वर्क अराउंड, ऐसे कुछ बोलती है आप लोगों को सुनाई दिया होगा, तो वो काफी इरिटेट करता है तो मैं उसको डिसेबल करके रखता हूं। यहां जैसे कि कंपेनियन एक ऐसा चीज होता है, जैसे कि अपन लोग सबसे पहले लॉबी पे देख लेते हैं ये सेटिंग्स भी FPP और TPP मोड के लिए। तो गाइस ये कंपेनियन होती है जैसे कि कुछ क्रिएटर कुछ कैरेक्टर के साथ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि यहां पर एक छोटे से छोटू को देख रहे होगा, सामने दिख रहा होगा या फिर नीचे में, यहां पर देखो मेरा डाउनलोडिंग साइज से नहीं है ये कंपेनियन, जैसे कि कोई छोटे छोटे डायनासोर रखते हैं, कोई बिल्ली वगैरह कुछ भी रखते हैं कंपेनियन उसके साथ साथ ही घूमता है ना, वो चीज के लिए आप डिसेबल कर सकते हो तो आपको कोई नहीं देखेगा, उसको इनेबल करके रख सकते हो, वो चीज के लिए गाइस यहां पर। गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं, पट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए। ये सब तो हो चुका है गाइस, अब कनेक्शन पे आते हैं। चलो यहां पर कनेक्शन क्या चीज है तो चलो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कनेक्शन के बारे में अच्छे से थोड़ा जान जाते हैं। जैसे आप लॉबी पे होते हो लेफ्ट साइड आप घिसते हो ऐसे करके, तो यहां पर आप लोग को जो अकाउंट होता है उसके नीचे यहां पर क्लैन वगैरह का उसको ऑप्शन के नीचे जाओ ऊपर जाओगे तो यहां पर कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं भाई लोग का, जब आप आईडी चेक करते हो तो वो लोग दो जन चिपके हुए रहते हैं कुछ इस प्रकार, कुछ लोग लवर सेट करके रखते हैं, कुछ लोग BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, कुछ लोग ब्रोमेंस, यानी कि बहुत तरह का सेट करके लिख के रख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ना कोई कोई अपने GF BF अपने आप को कनेक्ट करके रखता है और लवर लिखा हुआ रहता है, तो उस चीज के लिए तो यहां से आप लोग उसको सेट भी कर सकते हैं एंड इस चीज को आप लोग डिसेबल करके रख सकते हैं, जैसे कि कोई देख ना पाए, आप लोग अपने में ही सिर्फ देख पाओ, कोई देख ना पाए। कुछ चीज ऐसे होते हैं कि किसी किसी को पता चल जाता है और शायद आपको ये सही नहीं लगता एंड वही चीज के लिए गाइस यहां पर, एंड गाइस यहां पर साथ साथ कुछ रिक्वेस्ट आपको भेजते हैं लवर के लिए, कोई BFF के लिए भेजते रहता है, ये परेशानी होती है काफी ज्यादा। तो इस चीज के लिए गाइस यहां पर उस सेटिंग को आगे चलो बताता हूं यहां पर, तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पर कनेक्शन की मैं बात कर रहा था, तो गाइस यहाँ पर आप अपन लोग इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं टू सी रिजल्ट, जैसे कि आपका रिजल्ट कोई नहीं देख सकता, कितना मैच आपने खेला, कब कब खेला, किस किस टाइम खेला। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं आपको, क्या कर रही थी, क्या कर रहा था गेम है ना, तो उसको सी रिजल्ट को ऑफ करके रख सकते हैं। सो आउटफिट इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आपका आउटफिट यानी कि कपड़ा वगैरह कोई देख नहीं पाएगा, आप लॉबी में रहो या फिर गेम में कहीं भी रहो। एंड गाइस यहाँ पर आता है एलो अदर्स टू व्यू पॉपुलैरिटी, जैसे कि पॉपुलैरिटी का मतलब आप लोग जानते हो, यहाँ पर एक फायर जैसे कि आग जैसा दिखता होगा पॉपुलैरिटी के चलते, पिछले साल बहुत कुछ सीन भी हुए थे आप लोगों को पता ही होगा, क्या ही बताऊं पॉपुलैरिटी के चक्कर में। एंड गाइस इतना ज़्यादा मतलब दिल पे मत लो, पॉपुलैरिटी वगैरह छोड़ो ठीक है, तो उसका यही चीज़ होती है। एंड गाइस यहाँ पर चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड गाइस यहाँ पर आता है एलो अदर टू सी डेज प्ले, ठीक है, तो ये चीज़ भी इनेबल डिसेबल, यानी कि कितने मैच खेले, कितने दिन पहले खेले, कितना तारीख वगैरह डेट सब कुछ आता है, तो उसको इनेबल या डिसेबल कर दो। ये डेट वगैरह स्टाम्प आप लोग को कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी कि आप खेल रहे हो क्या कर रहे हो वो सब नहीं दिखेगा। ये कनेक्शन वाला ऑप्शन अच्छे से समझो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे कुछ आप लोग को बता रहा हूँ। एलो अदर्स टू व्यू टीममेट एवोल्यूशन एक अपन लोग को मिलता है, जैसे कि आप मैच वगैरह खेलते हो ना, वहाँ पर अगर आप खत्म हो जाते हो यानी कि आप मर जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग आपका टीममेट जो भी रहता है क्लिक करके देखते हैं कितना KD है बंदा का, कितना मैचेस खेला वगैरह वगैरह, तो ये सब नहीं दिखेगा, आपका हाइड करके रख सकते हैं डिसेबल कर दोगे तो। एक्सेप्ट टीम इनवाइट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स एक होता है, जैसे अनजान लोग आपको इनवाइट भेजता है कि दो मैच आप उसके साथ खेल लिए, तो वो रिसेंट में जाके और बार बार आपको परेशान करेगा जो कि आप जानते हैं अनजान वगैरह है, तो उस चीज़ के लिए। एलो स्पेक्टेटर्स एक होती है गाइस, देखो एलो स्पेक्टेटर मतलब आपका मैच कोई देख सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर इनवाइट वाला ऑप्शन पे जाओगे अपने लॉबी में, मैं दिखाने की अगर कोशिश करूँ तो वहाँ पर एक आई बटन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे आई बटन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ टैप करके वो आपका मैच देखने लगता है, कैसा खेल रहा बंदा कैसा नहीं, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई मैच खेल रहा, मेरा इतना अच्छा गेम प्ले नहीं है और कोई देख रहा बार बार, तो आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो। आपको एक नोटिफिकेशन भी शो होता है मैसेज के सामने और देख सकते हैं कि हाँ ये बंदा मेरा मैच को देख रहा है, तो थोड़ा सा आपको सही नहीं लगता है।
वो चीज के लिए गाइज आप यहाँ पर एलो रिजर्वेशन एक होता है कि आप मैच खेलते हो ना तो आपको ऑलरेडी रिजर्व करके कोई भी रख लेता है। जैसे इनवाइट वाला ऑप्शन मिलती है, इनवाइट वाला ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं ना लॉबी में, तो उसी के जगह में अगर आप आपको भेज दिया जाएगा वहाँ पर और आप मैच खेलते खेलते आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि ये बंदा मुझे रिजर्व करके रखा है, और ऑटोमेटिक जब आप गेम से निकलोगे तो ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसके साथ खेल सकते हैं। एलो ऑफलाइन टीम अप इनवाइट्स, ये कुछ ही दिन पहले ये अपडेट आया था, अपन लोगों को पता है कि ऑफलाइन में भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो बंदा का अगर नेट ऑन है और यहाँ पर देखो लॉबी में कुछ इस प्रकार, देखो यहाँ पर ऑनलाइन शो होती है जो ऑनलाइन रहते हैं, ऑफलाइन है अभी, तो यहाँ पर एक मैसेज जैसा ऑप्शन मिल रहा छोटा सा, उसको टैप कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके पास अगर नेट ऑन है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि वो बंदा तुम्हें याद कर रहा है, ठीक है, वो गेम खेलने के लिए बुला रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए गाइस। एंड अपन लोग यहाँ जाते हैं तो अपन लोग को और सेटिंग्स से मिलता है, एक्सेप्ट अलाउ, सॉरी गाइस, एक्सेप्ट अलाउ के नीचे अदर टू व्यू क्लाउड, एक्सेप्ट टीम अप इनवाइट्स, जो आपको टीम अप के लिए इनवाइट वगैरह करते हैं, चेयर पार्क में परेशान करते हैं, वो सब है। पर्सनल स्पेस इनकोग्निटो मोड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसको इनेबल करके रखोगे। इनकोग्निटो मतलब क्रोम ब्राउज़र तो सभी चलाते हैं भैया लोग, तो इनकोग्निटो मोड क्या काम आती है, वही चीज़ आपका कोई भी करियर रिजल्ट वगैरह कुछ भी छपेगा नहीं, हिस्ट्री में आएगा ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ के लिए गाइज यहाँ पर। एंड अपन लोग और बहुत सारे जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन वगैरह ये सबको डिजेबल करके रखोगे तो कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन बार बार नहीं आएगी गेम में जो आपको प्रॉब्लम हो। हेलो अदर टू सी योर कनेक्शन, कोई भी आपका कनेक्शन देख नहीं पाएगा, जैसे कि अभी मैंने कनेक्शन आप लोग को बताया कि कौन लवर है कौन क्या, देखो यहाँ पर ब्रोमांस लवर, बीएफएफ लवर वगैरह, बडी, ये सब आपको कोई भी देख नहीं सकता, बस आप और आपके बॉयफ्रेंड देखेंगे, यानी कि आप फिर आपके जीएफ देखेंगे, तो यही चीज़ के लिए सेटिंग है कनेक्शन। एंड गाइस यहाँ पर नीचे जाते हैं तो अपन लोग को सो रॉयल पास वाला ऑप्शन वगैरह मिलता है, इन्फॉर्मेशन अगर डिजेबल करके रखती हो तो आपका रॉयल पास लिए हो या फिर नहीं ये सब किसी को नहीं पता चलेगा, तो इसको चाहो तो इनेबल, और ऑब्वियसली ये तो इनेबल ही रखेंगे, लिए हो तो दिखाने के लिए लिए हो। एंड गाइस अगर नीचे जाते हैं तो अलाउ अदर्स टू व्यू रॉयल पास प्रोफाइल, जो कि यहाँ पर इनेबल डिजेबल, तो डिजेबल कर दोगे तो आप रॉयल पास वाले हो या नहीं ये नहीं पता चलेगा। एयरप्लेन में जैसे कि यहाँ पर एयरप्लेन वाला ऑप्शन है, अगर आपके पास ज़्यादा रॉयल पास रहता है ना तो आपका नाम छपता है, तो आप इसको छुपा दोगे, आपके पास कितनों भी रॉयल पास है आपका नाम वहाँ नहीं आने वाला। एलो टू सी फॉलो चेयर पार्क मी चेयर पार्क, जैसे कि यहाँ पर कोई भी आपको चेयर पार्क में फॉलो करता है, आप गेम में ऑन रहते हो चेयर पार्क में रहते हो तो वहाँ पर टैप करके आपके पास पहुँच जाता है वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंड रहता है, तो वो चीज़ डिजेबल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर वाले लोग भी ऐसे होते हैं तो उसके लिए भी आप डिजेबल करके रख सकते हैं। नीचे इनेबल डिजेबल टू क्विक इनवाइट, जो कि बार बार इनवाइट भेजते हैं उस लोग के लिए, तो आप यहाँ पर डिजेबल करके रख सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा। रीज़न वगैरह चीज़ आप लोग अच्छे से समझाइए, रीज़न चीज़ क्या है, इसको इनेबल और डिजेबल इंडिया लिखा रहा है रीज़न को लेकर, काफ़ी लोग रीज़न को चेंज भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 30 डेज़ या फिर 60 डेज़ लिखा रहा था, उससे बाद ही आप रीज़न को चेंज कर सकते, बार बार नहीं कर सकते, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। रीज़न में देखो सेम सिटी चैट का एक ऑप्शन मिला हुआ आप लोग को, तो रीज़न में आप लोग ना जो इंडिया लिखा हुआ उस चेंज के ऑप्शन में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर देखोगे हर एक स्टेट मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लेने झारखंड, जो भी है आप लोग को, महाराष्ट्र वगैरह सब कुछ मिलेगा, तमिल वगैरह, आसाम वगैरह, हिमाचल, ठीक है, तो वहाँ पर सेट करके और यहाँ पर सेम सिटी कर दोगे ना तो आप लोग आपस में ही मैच खेल सकते हो, यानी कि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड सेट कर दिया तो यहाँ पर झारखंड वाले बंदे ही मुझे सिर्फ मिलेंगे, तो वो चीज़ के लिए तो आप लोग सेट करके रख सकते हैं, लेकिन नहीं मैं इंडिया से ऑल इंडिया में ही सबके साथ खेल सकता हूं, तो इसीलिए आप लोग वहां पर ऑल इंडिया रहने देना। रीज़न यहां पर रैंकिंग डिजेबल इनेबल कर दोगे, डिजेबल कर दोगे तो आप रीज़न का एक जो रैंक होता है उससे निकल जाओगे। एंड गाइस यहां पर अलाउ अदर्स टू व्यू माई लोकेशन, इसको इनेबल अगर कर दे तो डिजेबल, तो आपका लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगा उस चीज़ के लिए। एंड गाइस यहां पर रेडियो मैसेज, जो आपको मैसेज आता है ना कोई वॉइस मैसेज कुछ भी रेडियो मैसेज भेजते हैं, तो इनेबल या डिजेबल के लिए डिजेबल कर दोगे तो आपके पास नहीं आएगा। एंड यहां पर बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स जो कि मैंने बता दिया, एंड यहाँ पर जो आपको बर्थडे वगैरह ऐड करके रख सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल जैसे ही वो चेक करता है, ये सारे चीज़ शो होने लगा ली है, और अगर आप इसको नहीं करके रखोगे तो शायद आपको उन लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ सेटिंग्स थे मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन ज़रूरी थे, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जितना ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल सेटिंग्स, यानी कि बेसिक कंट्रोल्स और एडवांस कंट्रोल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी प्राइवेसी एंड सोशल्स जो है ना वो तो मतलब डिफॉल्ट पे सही है। एंड सेंसिटिविटी से रिलेटेड भी मैंने वीडियोज़ बनाया यहाँ पर, सेंसिटिविटी से रिलेटेड कौन सा सेंसिटिविटी, कैसे खुद का सेंसिटिविटी बना सकते हैं, बेसिक सेटिंग्स, तो इस टॉपिक पर वीडियो है, चैनल पर जाओ चेकआउट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय।